गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। मेट्रो में चार महिलाएं गिरफ्तार क्योंकि वो करती थी धोखाधड़ी और उल्टी करवा के देती थी ये पूरी वारदात को अंजाम। चलिए जानते हैं क्या है ये अजीबोगरीब मामला, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ एक बच्चा भी शामिल था। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब पूरी वारदात कैसे वो करती थी। पहले तो हम आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन पे या कोई भीड़ भड़क्के के एरिया में, जो बस स्टैंड हो या कोई भी ऐसी चीज हो या टैक्सी स्टैंड हो या ऑटो स्टैंड हो जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर ये महिलाएं जाके अपने पूरी चोरी को अंजाम देती थी। और उनका चोरी का अंजाम का पूरा मकसद ऐसा होता था कि वो बच्चों को इसलिए साथ रखती थी या तो वो बच्चों को ज्यादा रुला देती थी जिसके कारण पूरी पब्लिक का ध्यान वहां पर भटक जाता था, या तो वो वॉमिट करवा देती थी, उल्टी करवा देती थी जिसकी वजह से पूरी पब्लिक उनकी तरफ देखने लगती थी और बहुत जोर जोर से वो लोग भी काफी ज्यादा रोने लगते थे, तो पूरी पब्लिक का ध्यान उनकी तरफ बट जाता था जिसके कारण जो तीन और महिलाएं होती थी वो लोग पीछे से जाके इन पूरी वारदातों को अंजाम देती थी। इस पूरी चीज की खुलासे एक आदमी ने किया जो कि उसी मेट्रो स्टेशन में सफर कर रहा था और उसके पास कुछ डायमंड थे और 70,000 रुपया था। वो एक ज्वेलरी व्यापारी था और उसका पूरा सब चीजें सामान और डायमंड चोरी हो चुका था और चोरी होने के बाद उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज की पूरी कंप्लेंट दे दी और सब चीजों के बारे में बताया। और बताने के बाद जब वहां पर मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तब वहां पर बार बार चार महिलाएं एक बच्चे के साथ उतरती और चढ़ती दिखाई दी गई। और जब ये सब चीजें आई हाथ में तब उस दौरान तो पुलिस ने अपनी टीम बनाई और टीम बनाने के बाद इन चार महिलाओं को धर दबोचा और धर दबोचने के बाद ये पूरी जब कार्रवाई हो रही थी तब उन्होंने ही अपने मुंह से उगला है कि वो लोग कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम देते थे। और अभी वो हिरासत में है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उनसे जो सामान है, जिस भी लोगों का उन्होंने सामान चोरी किया है, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनको वापस किया जा रहा है। आई होप गाइस आप लोगों को पुलिस की ये बात सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा कि पुलिस काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम करती रहती है और हमारी जनता को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करनी चाहिए और वो लोग आपके कंप्लेंट के ऊपर जरूर जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर आप लोगों को आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।